एक साथ अगर काम करें, रवि मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, हाउ डू यू थिंक अ बॉडी, जैसे अमिताभ जी बात कर रहे थे मंडाविया जी से, हाउ डू यू थिंक अ बॉडी लाइक दिस विल हेल्प प्लानिंग इंटरवेंशंस एंड प्रोग्राम्स ऑन ग्राउंड, स्पेशली बिकॉज सो मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स विच वी बीन डूइंग इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स दे आर बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर बेस्ड है, देश के ऑल ओवर द कंट्री, और अलग अलग जो हेल्थ इश्यूज़ है उस पर फोकस करती है. थैंक यू सो मच अंबिका फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. I will give you the example of our honorable Prime Minister and our first season of Detol Banega Swasth India, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि हमें एक हाइजीन इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर इंदिरा भी हमारे साथ में थी, सर आपके साथ में भी हमने हाइजीन इंडेक्स बनाया. सर हमने एक सिटी से हाइजीन इंडेक्स चालू किया था, एक सिटी से दो सिटी, दो सिटी से दस सिटीज, दस सिटी से 25 सिटीज, फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला इस इंडेक्स को पब्लिक करने का. हमने उस इंडेक्स को पब्लिक किया, पब्लिक करने के बाद में वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में बदला सर. और आज स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो पूरे इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है. यू हैव द रैंकिंग, इंदौर का रैंकिंग है, वाराणसी का रैंकिंग है, सूरत का रैंकिंग है, पूरे इंडिया का आप रैंक देख सकते हो कि स्वच्छता के पैमाने पर कैसे क्या चल रहा है. इसका शुरुआत भी ऐसे हुआ था. अब ये जो काउंसिल ऑफ थिंकिंग कोचेज की बात है सर, पूरे इंडिया में एक भी काउंसिल नहीं है थिंकिंग कोचेज की वन हेल्थ पे या हाइजीन पे. ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया का ग्लोबल साउथ में अपने पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए और इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है. अगर हमारे पास में इतने ज़्यादा लायक डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो एक डॉक्टर्स का थिंकिंग कोचेज का हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें अंडर योर लीडरशिप एज ए थिंक टैंक, जो कि वन हेल्थ के जो इश्यूज हैं, जिसके अंदर हाइजीन भी इशू है, एनवायरनमेंट भी इशू है, इन सबको साथ में लेके डिस्कशन हो. एक सर दूसरी बात ये भी है कि मैंने सर अराउंड 5 ईयर्स पहले रैकेट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट का स्थापना किया लंदन के अंदर, जिसमें एम्स के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट. सारे जो कॉन्टिनेंट से, हर कॉन्टिनेंट से एक एक डॉक्टर को लिया मैंने सर. उस पूरी काउंसिल को हमने एस्टेब्लिश किया ग्लोबली, और अभी येल यूनिवर्सिटी के साथ में हमने एक स्टडी पब्लिश किया क्लाइमेट चेंज और डायरिया के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है. दैट वाज़ द फर्स्ट स्टडी इन द वर्ल्ड विच केम आउट फ्रॉम देयर सर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पहले यही देखते थे कि जितनी बाढ़ आएगी तो डायरिया के केसेस बढ़ेंगे, कॉलरा के केसेस बढ़ेंगे. एस्टैब्लिश करना ये फैक्ट कि बेसिकली अब जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, आप वैसे आप वाटर को सिक्योर कैसे करोगे, वाटर का स्केर्सिटी होगा, उसका स्टोरेज की इश्यूज होंगे, उसकी वजह से क्या डायरिया के केसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे. तो हमने मल्टी कंट्री ये स्टडी किया सर येल के साथ में, येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ में. तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि एक थिंकिंग कोचेस का एक इंस्टीट्यूट हम एस्टैब्लिश करें अंडर द मिनिस्ट्री, जिसमें प्राइवेट भी हो, प्राइवेट फंडिंग भी हो, गवर्नमेंट फंडिंग भी हो, और इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर्स हैं सब, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दे ऑल कम टुगेदर एंड यू नो दे ड्राइव दिस एजेंडा फॉर द नेशन बिल्डिंग. लाइक टुडे वी आर दिस. उसमें जो आपने कहा है जी सर, बहुत अच्छा सुझाव है जी. आज अलग अलग लेवल पर काउंसिल के रूप में काम होता है, लेकिन उसको एक फॉर्मलाइज करके पीपीपी मोड में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को इकट्ठा होकर एक ऐसा फॉर्मेशन, आपका सुझाव है कि जो डिबेट और डिस्कशन के लिए परमानेंट हो, उसमें नए नए लोग आते रहे, काउंसिल के रूप में डिबेट डिस्कशन करता रहे, एक्सपर्ट ओपिनियन पर डिबेट होती रहे, वर्ल्ड में जो न्यू एरा है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन, न्यू रिसर्च, न्यू इनोवेशन, न्यू डिसीज, न्यू स्टडी, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होती रहे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम अवश्य बनाएंगे. अच्छा सुझाव है, इस दिशा में काम कर सकते.